नमस्कार दोस्तों, दिस इज मोनू सागर। आज हम बात करने वाले हैं हैंडल के टॉपिक के ऊपर। इवन क्या काफ़ी टाइम से हैंडल का एक ऐसा इशू है, कुछ टाइम के बाद हैंडल काफ़ी जाम हो जाता है या आवाज़ आने लगती है आगे से। तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे। इससे पहले मैं कुछ आपको बता देता हूँ कि मेरे पास व्हाट्सअप पर काफ़ी सारे मैसेज आए थे कि मेरी ये प्रॉब्लम है। सबका सोल्यूशन थोड़ा थोड़ा सा मैं आंसर लोगों को तो कर दिया है, आपको भी बता देते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। सबसे पहले मेरे पास आया है ये किक का इशू, तो ये देखिए आप वीडियो। किक के अंदर हुआ क्या है कि इसका किक का डॉग खराब हो चुका है। किक का डॉग खराब हो गया और ये आएगा मेरे ख्याल से 80 रुपये या 100 रुपये के आसपास होगा, 80 या 100 रुपये के आसपास होगा। इसको आप चेंज करा सकते हैं, आप किक आपकी ठीक हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर। दूसरा है कि मेरे शॉकर आगे से ऐसे दबाने में आवाज़ कर रहे हैं, ये देखिए आप वीडियो को। अब इस सिचुएशन में हुआ क्या है कि इन्होंने मेरी इनसे बात हुई थी कि इनका कहना है कि मेरे शौकर आवाज़ कर रहे हैं। हुआ क्या है, इन्होंने शौकर खुलाए थे और उसके बाद से आवाज़ कर रहे हैं, या शायद पहले से भी कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में जो आपने देखी है क्लिप, इसके अंदर हो रखा है शौकर के स्प्रिंग साउंड कर रहे हैं, जो आपस में शौकर लैग के ऊपर टकरा रहे हैं और वो साउंड कर रहे हैं। तो इसके लिए खोल के स्प्रिंग चेक करना पड़ेगा, या हो सकता है शौकर की लैग अंदर टेढ़ी हो सकती है, उसकी वजह से यह शौकर ऑयल कम हो सकता है। इन चीज़ों की वजह से ये आवाज़ करता है, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, अगर आपके पास भी कोई समस्या है आप भी हमें भेज सकते हैं, तो YouTube के अबाउट अस में जाके देख सकते हैं, वहाँ मेरा WhatsApp नंबर है। और मेरा पर्सनल नंबर आप चाहते हैं, मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर, तो नीचे ज्वाइन आस लिखा रहेगा इधर साइड में, या नीचे ज्वाइन आस लिखा है, आप ज्वाइन आस करके कुछ फीस है वो देनी पड़ेगी, उसके बाद मेरा जो पर्सनल नंबर है वो आपको मिल जाएगा, आप मेरे को वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि इसके अंदर जो प्रॉब्लम है क्या है। देखिए इस साइड का हैंडल फ्री है, टाइट नहीं है, बहुत ही हल्का मामूली सा टाइट है, पर इस साइड को इतना टाइट है कि हैंडल हिला नहीं पड़ रहा। अब गाड़ी चलेगी कैसे, जब हैंडल हिल नहीं रहा है तो चलेगी कैसे। इसके लिए मेरे को अगला हिस्सा इसका खोलना पड़ेगा, और अगला हिस्सा खोलने के बाद हम दिखाते हैं कि अगले हिस्से में कहाँ पर प्रॉब्लम है। तो अब एक छोटा सा डाउट और है, वो पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि कुछ लोग सोचेंगे कि हैंडल टाइट कर दिया उसकी वजह से हैंडल टाइट लग रहा है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस जगह पे हैंडल फ्री है ना। थोड़ा सा कैमरे को पीछे कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे हैंडल फ्री है, पर जैसे हम हैंडल को इधर मोड़ लें, ये देखिए यहाँ पर हैंडल टाइट हो जा रहा है, फंस जा रहा है इस जगह पे। तो इसके लिए हमने ये सारे बोल्ट इसके खोल दिए हैं, और ये टंकी वंकी इसलिए खोली कि यहाँ पर स्क्रेच टंकी के ऊपर कुछ लग ना जाए, इसलिए अच्छे से अपने तरीके से काम करने के लिए हमने खोल लगा है। बाकी आपके मन की मर्जी है, आप खोलो या ना खोलो, ठीक है। अब हम सीधे हैंडल टी को बाहर निकालते हैं। तो अब हम हैंडल टी हमने नीचे निकाल दिया, अब इसका हेड ऊपर उठाएंगे और दिखाते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। अब देखिए ज़रा नज़दीक से दिखाते हैं, यस। तो आप देख सकते हैं कि आधे इस हिस्से में जंग लग गया है, जो कोन होती है ये, इसके आधे हिस्से में यहाँ पे जंग लग गया है, और इसकी वजह से ये जो वॉल बोल दो या गोलियाँ बोल दो, ये जंग लग के ख़राब हो जाती है, और यहाँ पर इस जगह पे आके हैंडल की गोलियाँ फंसने लगती हैं। और ऐसा ही हमारा हैंडल टीके इस हिस्से में हुआ है, यहाँ पर दोनों साइड में आप देख सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, कौन सेट चेंज करना है। कौन सेट आपका 550 रुपये के आसपास पड़ेगा, यह आपको चेंज करना है, और ये चेंज करने के लिए किलोमीटर होता है एक, तो ये 12,000 किलोमीटर के आसपास ये टाइम आता है कि इसको चेंज करना पड़ेगा। तो फाइनली अभी मैंने कौन सेट डाल दिया है और अगले शॉकर फिट कर दिए हैं। अब जो डाल रखा है वो कौन सेट इस टाइप के होते हैं और छोटी छोटी बॉल होती हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम हैंडल हिला के कि हैंडल कैसा है, देखिए स्मूथनेस आई या नहीं। देख सकते हैं आप एक उंगली से हल्का सा भी जो लगा रहे हैं तो पूरा हैंडल बिल्कुल स्मूथ घूम रहा है, देखिए। तो
यही वो एक तरीका होता है, अगर आपकी गाड़ी में कभी ऐसा होता है तो 12,000 किलोमीटर के आसपास ही ऐसी प्रॉब्लम आती है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट चेंज कर लेना है। टोटल खर्चा मेरे ख्याल से 700-800 रुपये के आसपास पड़ जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम भी वेस्ट होता है। तो मेक श्योर आपको वीडियो पसंद आई होगी, जो भी आपकी क्यूरी है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बेझिझक जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।